सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही, एक्चुअल सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन हमको अपीयर करना शुरू कर देता है, ओके। और एक्चुअल सनसेट होने के बाद भी 2 मिनट तक सन हमको अपीयर कर रहा होता है या हमको दिख रहा होता है, ठीक है ना। यानी कि टोटल 4 मिनट का हमको हमको ज्यादा सन अपीयर हो रहा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, वो हमको याद दिखता है। एक्चुअली जो मेन रीजन है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ऊपर की लेयर्स में जो एयर है वो एयर कैसा है, वो थोड़ा सा हॉट एयर होता है, ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। जो हल्का एयर होगा ऊपर की तरफ होगा, सो ये ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे कैसा है, थोड़ा डेंसर मीडियम है। इस वजह से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, कोई भी जो हमको आसमानी चीज है, वो कहां कैसे अपीयर होगी, क्योंकि हमको रिफ्रैक्शन का इफेक्ट पता है। व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है, थोड़ा बेंड होता है जब भी वहां, जब भी मीडियम चेंज होता है, ओके ना। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंड होगा, और रूल के हिसाब से रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाता है तो कैसे बेंड होता है, नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। नॉर्मल यानी ये परपेंडिकुलर, सो नॉर्मल की तरफ बेंड होना मतलब कैसे बेंड होगा, टूवर्ड्स नॉर्मल, ये है नॉर्मल, नॉर्मल के टूवर्ड्स, अगर अवे होता तो ऐसे होता, ओके ना। सो यहाँ पे टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, और हमको अपीयर फिर कैसे होने वाला है, हमको देखो ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है इस लाइन पे, और ये लाइन किधर से आ रही है, ये लाइन कुछ यहाँ से अपीयर होगी, यानी दिस विल बी द एक्चुअल पोजीशन, दिस विल बी अपेरेंट पोजीशन कोई भी सेलेस्टियल बॉडी को। तो यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कोई भी आसमानी चीज हमको उसकी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर अपीयर होगी। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, हमको थोड़ा सा ऊपर अपीयर होगा, ओके। और रीजन क्या है, इट इज अ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और यही रीजन यहां भी चल रहा है कि सन, देखो यहां पे इस केस में हमको वैसे तो पता है कि सन नहीं घूमना होता, बट फिर भी हम अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में समझ रहे हैं, ठीक है। सपोज ये एक ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर अपने होराइजन से, अभी इस ये होराइजन वाली लाइन है, इस लाइन से अगर कोई नीचे चीज होगी तो वो उसको अपीयर नहीं होगी। फिलहाल सन भी अभी राइज नहीं हुआ है, उस होराइजन के नीचे, जस्ट नीचे है, और फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कोई भी चीज क्या होती है, थोड़ी सी रेज्ड दिखती है, तो क्या होगा, सन भी थोड़ा सा रेज्ड अपीयर करता है, एंड हेंस वो हमको दिख रहा होता है, राइट। और वैसा ही इफेक्ट होता है सनसेट के दौरान। सपोज ये हमारा इस तरह का होराइजन वाला लाइन है, इस लाइन से नीचे कोई चीज रहेगी तो हमको नहीं दिख पाएगी, ओके। सो अगर मान लो सनसेट हो भी चुका है, सन एक्चुअली डूब चुका है, फिर भी हमको बिकॉज ऑफ द सेम इफेक्ट कोई भी आसमानी चीज हमको थोड़ा सा रेस दिखेगी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहां भी सन क्या होगा, हमको सनसेट के बाद भी थोड़ा सा रेस दिखने की वजह से हमको अपीयर कर रहा होगा, ओके, हम उसको देख पाएंगे। सो दिस इज अ रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट, ठीक है, सनसेट होने के बाद भी हमको वो अपीयर होता है। थैंक यू।